महाराष्ट्र में सियासी हलचल और भी तेज होती चली जा रही है, जहां पर राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और बिना समर्थन अकेले सरकार नहीं बना सकती शिवसेना। और ऐसे में समर्थन के बदले एनसीपी ने शर्त रख दी है शिवसेना के सामने कि वो एनडीए से बाहर हो और मोदी सरकार से मंत्री इस्तीफा दे। तो सरकार बनाने के लिए शिवसेना के पास शाम तक का वक्त है और कांग्रेस एनसीपी के हाथ में अब सत्ता की चाबी नजर आ रही है और इसी को लेकर कवायदे तेज होती चली जा रही है, जहां पर निमंत्रण राज्यपाल से मिलने के बाद अब शाम तक का वक्त शिवसेना के पास, जब उसे बहुमत को लेकर राज्यपाल को जानकारी देनी होगी कि हां उसके पास बहुमत है, वो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस एक साथ सरकार बना रहे हैं। तो बिना समर्थन अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकते, इसके लिए जरूरत फिलहाल शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस की है। हालांकि शर्त ये रख दी है एनसीपी ने कि अगर आप एनडीए से गठबंधन को तोड़ते हैं तो ही हम आपको समर्थन दे पाएंगे, और ऐसे में इस शर्त को शिवसेना के जरिए स्वीकार भी कर लिया गया है और जिसके बाद उनके एक मंत्री जो अरविंद सावंत है मोदी सरकार में, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। तो न्योता राज्यपाल की तरफ से जो पहले बीजेपी को मिला था, मनाही करने के बाद बीजेपी के जरिए अब वो न्योता शिवसेना को मिल गया है। शिवसेना दम भर रही है कि उसको समर्थन मिल जाएगा और उसके बाद वो सरकार बना सकते हैं।